हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना क्लॉथ वॉशिंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैं वॉशिंग मशीन में अपने क्लॉथ वॉश कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये है वॉशिंग मशीन का स्विच, जिसे मैं यहाँ से ऑन करूँगी। ये मैंने लगा दिया है और अब हम इसमें पानी भर लेते हैं। इसका पाइप मैंने एक साइड से टैब में लगा दिया है और दूसरी साइड मशीन में लगा है। और ये देखिए, ये है वाटर सेलेक्टर। वाटर सेलेक्ट करेंगे आप, अगर वॉशिंग टब में करते हैं तो वॉशिंग टब में आएगा पानी, और अगर आप स्पिन टब में करते हैं तो स्पिन टब में आएगा पानी। ये देखिए, वॉशिंग टब में आ रहा है, तो हम पानी भर लेते हैं इसमें। ज़्यादा कपड़े नहीं धोने हैं तो मैं इतना ही पानी यूज़ करूँगी। तो मैं अब इसमें, ये ऑलमोस्ट पानी हो गया जितना मुझे चाहिए। अब इसमें मैं वॉशिंग पाउडर ऐड कर लेती हूँ, और इसमें मैं लगभग 2 ढक्कन वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 4 बड़े चम्मच हो जाएगा इसमें वॉशिंग पाउडर। और अगर आप ज़्यादा कपड़े धो रहे हैं तो 1 लेवल ऊपर इसमें पानी भर लीजिए आप, और उसके बाद इसमें कपड़े वॉश कीजिए। तो सबसे पहले मैं लाइट कलर के कपड़े ऐड कर रही हूँ इसमें। लाइट कलर के कपड़े, जैसे शर्ट हो गई हस्बैंड के, जो जिसमें कलर वलर नहीं निकलता, उस तरह के कपड़े आप पहले इसमें वॉश करें। इसे मैं वाइट कलर के कपड़े पहले डाल रही हूँ इसमें, और मुझे पता है, मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे पता है किस कपड़े में कलर निकलता है किस में नहीं। तो जिन कपड़ों में कलर नहीं निकलता वो कपड़े मैं पहले डाल दूँगी इसके साथ। और एक बार उसकी पॉकेट वगैरह भी चेक कर लें, कोई सिक्का या कुछ पेन पेंसिल ना हो उसमें, अदरवाइज आपकी वॉशिंग मशीन में डैमेज हो सकता है। ये देखिए, मैंने लाइट कलर के सारे कपड़े इसमें ऐड कर दिए हैं, और वो कपड़े जिसमें कलर नहीं निकलता वो भी डाल दिए हैं। ऑन कर देंगे और मशीन को भी ऑन कर लेंगे। और इसमें मैंने 15 मिनट का टाइमर फिक्स कर दिया है, और 15 मिनट्स के बाद इसमें अपने आप ही बजर बजेगा। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको वॉश सेलेक्ट करना है। वॉश सेलेक्टर है, यहाँ नॉर्मल और हैवी मोड है। आप हैवी मोड पे धोएंगे कपड़े तो आपकी मशीन जो है फास्ट चलेगी, और हैवी मोड पे आप कपड़े जब धोएंगे तो कपड़े आपको थोड़े ज़्यादा कपड़े होंगे, तभी हैवी मोड पे आप डालें। और इसके अलावा नॉर्मल मोड पर आप अपने रेगुलर कपड़े धो सकते हैं। थोड़े कपड़े हैं तो आप नॉर्मल मोड पर आप धो सकते हैं इसे। और इसके अलावा टाइमर मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से टाइमर फिक्स करते हैं। ये है टाइमर, ये मैंने 15 मिनट पे टाइमर फिक्स किया है, और ये सीधा 1 पे पहुँच जाएगा। तो इसमें एक बजर बजेगा जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा 15 मिनट का टाइमर पूरा हो गया है, और हम इसको आके देखेंगे। हम 15 मिनट के लिए कपड़े इसमें वॉश होने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद इन बिटवीन हम अपना कोई दूसरा काम कर लेंगे। और ये देखिए, 1 पे पहुंचने वाला है टाइमर, और 1 पे पहुंचते इसमें बजर बजेगा, और हम आकर से बंद करके और इसके कपड़े धो लेंगे, पानी में निकाल लेंगे। ये देखिए, बजर बज रहा है, इसे बंद कर लेंगे, और ये मशीन भी बंद हो गई यहाँ से। अब हम इसमें दूसरी साइड, ये जो टब है इसको स्पिन टब बोलते हैं, और इसमें हम वाटर सेलेक्ट करेंगे। और एक एक कपड़ा निकाल के एक साथ आप निकाल लें सारे, और स्पिन टब में इसको पानी सेलेक्ट करके, वाटर सेलेक्ट करके अच्छी तरह से वॉश कर लें इस तरह से। ये देखिए, मैंने दूसरी साइड में सारे कपड़े अच्छे से वॉश कर लिए हैं।
तो गाइज़ जो लोग अभी मेरे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें सो दैट उन्हें मेरे चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके और वो मेरे आने वाले वीडियोज़ को देख सकें। तो इस तरह से हम ये वॉश कर लेंगे। ये देखिए मैंने पानी चलाकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है सारे कपड़ों को। अब मैं इसको और कवर करके अब बंद करके स्पिन कर दूँगी, ड्रायर को चला दूँगी। ये देखिए ड्रायर घूम रहा है। ये देखिए कपड़े हमारे सूख चुके हैं, कपड़े निकाल लेंगे हम। और ये हल्के से गीले होते हैं, हल्का सा हवा में डालने पे सूख जाते हैं इस तरह के। तो हम इनको हल्के से हवा में डाल देंगे फैला के और ये सूख जाएंगे। तो ये मेरे कपड़े धुल चुके हैं और थोड़े कपड़े और डालूंगी मैं इसमें। तो अभी हमने लाइट कलर के कपड़े धोए थे और इसमें थोड़े से कपड़े और बचे हैं, वो मैं निकाल कर स्पिन टब में डालती हूँ। और अब हम इसमें थोड़े डार्क कलर के कपड़े धोएंगे। हम इसी वॉशिंग पाउडर में ये डाल देंगे। और ये हम साइड में दूसरे वाले कपड़े इस तरह से वॉश कर लेंगे। कपड़े मैंने धो लिए हैं, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे मशीन में और इसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डालेंगे लगभग एक चम्मच, और मशीन को चलाएंगे थोड़ी देर जिससे ये इसमें जो भी गंदगी है, जो स्मेल है, वो चली जाएगी। और इसको अच्छी तरह से वॉश करके हम रखेंगे। मैंने मशीन को चला दिया है। अब जो इसका पानी है इसे हम एक बार ड्रेन करेंगे। ड्रेन का ऑप्शन भी ऊपर होता है, अब इसे मैं ड्रेन कर रही हूँ। ये देखिए पानी निकल गया है सारा। अब एक बार हम थोड़ा सा पानी और चलाएंगे और इसे अच्छी तरह से अंदर से वॉश करेंगे। ऐसा करने से मशीन में जो स्मेल होती है स्मेल नहीं आएगी, और आप इसे ऐसे वॉश करके रखेंगे तो इसमें कभी भी स्मेल नहीं आएगी कपड़ों में। और इसको एक सूखे कपड़े से पोंछ कर फिर हम रखेंगे। इस तरह से हम इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और उसके बाद हम इसे बंद करके रख देंगे। मशीन को हमेशा पोंछ कर सुखा कर रखना चाहिए। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है वो निकल जाएगा तो मैं इसको सुखा कर रखूँगी। अब हम इसे ढक कर रख देंगे
वॉशिंग मशीन को हमेशा ढककर और अच्छी तरह से सुखा कर रखना चाहिए, तो कभी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। और गाइज, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।